दोस्तों पीक वीक आपके कंपटीशन प्रेप फेज का लास्ट वीक आपके स्टेज में जाने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। बिगनर्स बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, एक तो पानी कम कर दें या छोड़ दें, कई ऐसी भी पानी छोड़ देते हैं या कम कर दिया आपने, पहली गलती। नमक छोड़ दिया, एक और गलती आपकी, आपने कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दिया, आप सोचते कि अब मैं फुल भी हो जाऊंगा, ये भी गलती है। और आप सप्लीमेंट लेके जो पानी है भी शरीर में उसको भी कोशिश करते पानी निकल जाए बॉडी से, एक और सबसे बड़ी गलती। पीक वीक का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपने पानी निकाल देना है और कार्ब खाना शुरू कर देंगे और कार्ब आपके मसल में लोड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पीक वीक एक स्ट्रेटजी है, तो 3 हफ्ते पहले शुरू होती है। वैसे तो प्रोफेशनल एथलीट्स जो बड़े एथलीट हैं उनकी उनका प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं अभी बहुत पुराने नहीं है, बहुत मैच्योर नहीं है। देखो नमक बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने लास्ट मोमेंट तक, पानी बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि बिना पानी के आपका जो कार्बोहाइड्रेट आप लास्ट के 2-3 दिन में लोड भी करते हैं ना, वो बिना पानी के आपके मसल को जाएगा ही नहीं। उसको भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को मसल में डिलीवर होने के लिए 3 से 4 ml पानी चाहिए होता है, कहाँ से आएगा पानी आपकी बॉडी में फुल रहे। आप पानी पिए 5-6 लीटर लास्ट के दिनों में, इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं, 3 से 4 लीटर पिए। तो जो पानी आप पिएंगे उसको आप कार्बोहाइड्रेट जो लोड करते हैं लास्ट के दिनों में, वो मसल में लेके जाएगा, मसल को फुल करेगा, तब पीक वीक है, तब वो मसल वॉल्यूम पकड़ेगा, साइज आएगा और ज़्यादा आप शार्प नज़र आएंगे, ज़्यादा ड्राई भी नज़र आएंगे। लेकिन इसके लिए आपका फैट परसेंटेज लो होना बहुत ज़रूरी है, 5-6% फैट पर आपको होना चाहिए। आप 9-10% के आसपास हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें आपका स्किन पतला हो गया, तभी पीक वीक करें। कई सोचते हैं कि मैं नमक पानी निकाल दूंगा तो मैं शार्प हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जो स्किन की आपकी थिकनेस है यही फैट है, इसको कम नहीं करेंगे जब तक पीक वीक आपका काम नहीं करेगा। और जैसे बताया है पानी नहीं छोड़ना, नमक नहीं छोड़ना है, ये एक वीक का प्रोसीजर है, इस पर मैं एक कम्प्लीट आपको बना के दूंगा प्रोग्राम। लेकिन अभी ये बताया इसलिए कि आप अभी से पानी नमक छोड़ना शुरू ना कर दें, आप बड़े इवेंट्स में के लिए रेडी हैं, स्मार्टली काम करें, कार्बोहाइड्रेट्स अभी कम रखें। कंपटीशन से 3 हफ्ते पहले हम कार्ब्स को कट करना शुरू कर देते हैं, बस पहला स्टेप यही है, नमक पानी बढ़ा के रखो थोड़ा सा, फिर पीक वीक पे बात करेंगे, मैं शेड्यूल आपको दूंगा जरूर जल्दी। और ये हिट एंड ट्रायल है, कभी हमें बहुत अच्छे शूट भी कर जाता है, कभी नहीं भी करता, तो हमें पता लगता है कि हमने क्या गलती की इस बार, उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट करते हैं। थैंक यू।